गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे उस खास न्यूज के बारे में जो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है, जो आपके जीवन को और बेहतर और अच्छा बना सकती है। क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट न्यूज को आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, आपके लिए लाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सेगमेंट की जिसमें हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। और पहले पेज पे जो आज इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है ये जो आपके सामने दिख रहा है, आप सभी लोग इसको देख पा रहे होंगे। क्या न्यूज है इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको बता दूं। जैसा कि हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि इस साल मतलब 2022 में 2022 में करीब करीब दो स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात और हिमाचल प्रदेश। अब कल क्या हुआ, कल चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा कर दी और ये चुनाव का वो होगा 12 नवंबर को, आने वाले 12 नवंबर को, मतलब अगले महीने में चुनाव होगा। और ये चुनाव एक फेस में होगा, मतलब सिंगल डे सारी जगहों पे चुनाव हो जाएगा। और कितनी जगह पे? 68 सीटों पे, 68 विधानसभा सीटों पे एक साथ चुनाव होगा और ये 12 नवंबर को चुनाव होगा सिंगल फेस में। अभी गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं लेकिन गुजरात चुनाव के डेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, तो जैसे ही डेट्स अनाउंस होगा तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था, जिस दिन से चुनाव डेट्स अनाउंस हो जाएं उस दिन से आप पॉलिटिकल न्यूज पे ध्यान दे सकते हैं। तो अब हिमाचल प्रदेश की जो भी न्यूज होंगी उन पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके उस पे ज्यादा ध्यान देंगे और हम लोग भी आपके साथ हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट न्यूज अब आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, 12 को चुनाव होने वाले हैं, एक फेज में चुनाव होने वाला है। कहां होने वाला है? हिमाचल प्रदेश में, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वहीं पहुंचेंगे जहां कुछ इंपॉर्टेंट हमें मिलेगा। देखा जा रहा है तो ये पेज है एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग कई बार पहले भी बात कर चुके हैं। और क्या है वो? स्किल डेवलपमेंट। क्या है? एक बार मैं इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप सभी बच्चों के लिए समझाता हूं। स्किल डेवलपमेंट, हाँ, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका था कि जैसे जैसे टाइम अपना हम लोग एक साथ स्पेंड करेंगे, न्यूज को और ज्यादा टाइम देंगे, हम लोग एडिटोरियल पेज पे भी काम करना शुरू करेंगे। और ऐसे ही अब कुछ 2-3 दिनों से हम लोग एडिटोरियल पेज पे काम कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है जो मैं मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों के साथ शेयर किया जाए वो हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो एडिटोरियल है बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वो क्या है? स्किल डेवलपमेंट का। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें क्या डिस्कशन किया गया है कि जैसी नीड है, मतलब कि इंडस्ट्री को जैसी नीड है, जैसा एनवायरमेंट को नीड है, वैसे स्किल्स को आपको अपने अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप देखेंगे कि गवर्नमेंट से लेके आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके पब्लिक ऑफिसेज, हर जगह अब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो ह्यूमन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है भारत का, उसके साथ हमारी इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिमांड है, और कौन कौन सी डिमांड है अगर देखिए, मैं कई बार पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं क्या क्या अभी रिसेंट की डिमांड है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, आपका जो आप लोगों से डिस्कस करते हो, जो आप पब्लिक डीलिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट है। उसके अलावा अगर आप टेक्निकल में जाओ तो बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जो आपके स्किल्स को एनहेंस करते हैं।
तो ये पूरा जो एडिटोरियल है वो इसी चीज पे फोकस किया गया है कि किस तरीके से आप नीड के हिसाब से अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं और देश को पूरी इकोनॉमी को अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें और इसके बाद अपना स्किल डेवलपमेंट पे काम शुरू करें। और उसके अलावा इस पेज पे कुछ खास नहीं है। हाँ, ये पेज है हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट, तो इसके ऊपर हम लोग एक बार देखते हैं। हाँ देखिए, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि इसी महीने 1 तारीख से 5G लॉन्च हुआ है। 5G इंडिया में लॉन्च हुआ है मतलब उसका ट्रायल चल रहा है। अलग कुछ सिटीज में उसका ट्रायल चल रहा है, कई सारी कंपनियां उसका ट्रायल कर रही हैं। अब क्या हुआ है, जो 5G टेक्निक है, जिस तरीके से 5G इंडिया लॉन्च कर रहा है, वो बहुत पावरफुल टेक्निक है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले महीने में, इंडिया वर्ल्ड को, मतलब वर्ल्ड की अदर कंट्रीज को भी 5G प्रोवाइड कर सकता है, 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम टेक्निकली इतना अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं कि हम दूसरी कंट्रीज को अपनी सर्विसेज को दे पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी न्यूज है। और ये निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि आने वाले समय में, कुछ महीनों में, भारत उस स्तर पे पहुंच जाएगा, इंडिया उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो बाकी कंट्रीज को 5G सर्विसेज दे सकता है। उसके अलावा और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये पेज है स्पोर्ट्स पेज, और स्पोर्ट्स पेज इसलिए इंपॉर्टेंट है आज क्योंकि कल से, यानी कि 16 तारीख से, 16 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है T20 वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस T20 में भारत एक प्रबल दावेदार है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का अगर एक हिस्ट्री देखा जाए तो सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था 2007 में और सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप भारत जीता था। तो इस वजह से भारत के जो चांसेस हैं जीतने के, वो इस T20 में भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट के कुछ 2 सीरीज हुआ है जिसमें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ जो सीरीज हुई है T20 सीरीज, उसमें भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसकी वजह से भारत की जो तैयारियां हैं वो बहुत मजबूत है, बहुत पुख्ता है। तो हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं एज ए क्रिकेट लवर कि हाँ, आने वाला जो कल से शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप है वो भारत के लिए अच्छा बीते और भारत ट्रॉफी लेके आए। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, और हेल्थ का पेज था जिसमें रेगुलर कुछ जो आर्टिकल्स आते हैं वो सब आर्टिकल थे। तो आज के पूरे न्यूज़पेपर में हम लोगों ने वो सारी चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके काम के थे, जो आपके लाइफ में कुछ अच्छा मैसेज दे सकती हैं, कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आपको कोई भी रिव्यू, कोई भी सजेशन हमारे प्लेटफॉर्म को देना है तो आप कभी भी दे सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।